हेलो इंसाफ एशिया में आप सभी का स्वागत है। बिग बॉस 16 तो आप सभी देख ही रहे होंगे। इतने कम समय में ही घर वालों के अस्थि रंग दिखाई देने लगे हैं। नॉमिनेशन टास्क में तो लोगों ने अपने ही करीबियों के तोते उड़ा दिए। शालीन भनोट ने जहां अब्दुल रोजिक और साजिद खान को नॉमिनेट कर भारी कदम उठाया है, वहीं मान्या सिंह नॉमिनेशन में आने से एक कदम उठला गई है। टीना दत्ता तो वहां से सबसे लड़ बैठी हैं। इस एपिसोड में भी घर वाले एक दूसरे पर फूटते नजर आ रही हैं। अपने क्यूटनेस से सबका दिल जीतने वाले अब्दुल रोजिक सुबह सुबह खाने पीने के बाद तैरना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वे नहाने के लिए स्विमिंग पूल में जाते हैं। हालांकि घर वालों को डर लग रहा था कि वह छोटे हैं कहीं डूब न जाए, जिसके बाद प्रियंका चौधरी भी उनके पीछे पीछे चली गई। पूल में अपने शॉर्ट्स के साथ करने वाले अब्दुल के साथ प्रियंका वहीं बैठी रही। तैरती मस्ती करती और मुस्कुराते हुए अब्दुल का जब बैलेंस बिगड़ा तो घर के सभी लोग डर गए, जिसके बाद प्रियंका भागी भागी जब बचाने जाती है तो वे कहते हैं कि उन्हें स्विमिंग आती है। पिछले एपिसोड में टीना, मान्या और सौंदर्या ने नॉमिनेशन के दौरान सॉरी कहा था, जिसकी वजह से बिग बॉस ने इन्हें घर का सारा काम करने की सजा दी थी। प्रियंका चौधरी के बार बार नाक घुसाने और नियम के खिलाफ जाकर घर के कामों में इन तीनों की मदद करने से और कैप्टन निर्मित की कहने के बाद भी नहीं सुनने की वजह से बिग बॉस ने कैप्टन को बुलाकर कहा कि वह तीनों में से किसी एक को सजा मुक्त करे। प्रियंका को वह सजा दे सकती है। इसके बाद निर्मित ने मान्या को सजा मुक्त किया। बिग बॉस के घर में राशन देख सभी दीवाने हो गए। जहाँ एक तरफ सौंदर्या शिव से काफी मांगती हुई नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ निमित बोली कि जब वह आई तो उनको फल ही खाने को नहीं मिली। वहीं गौतम और शालीन के बीच चिकन को लेकर बहस छिड़ गई, जिसमें सुम्बुल रोती हुई नजर आई। टीना दत्ता ने एक बार फिर अब्दुल के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आई। दरअसल टीना ने अब्दुल से कहा कि वह उनके साथ कैंडी लाइट डिनर पर जाना चाहती हैं। उसके बाद अब्दुल शर्मा गए। दरअसल गौतम ने प्रियंका को जगत माता मत बनो का टाइटल दे दिया, क्योंकि प्रियंका ने हर लड़की के साथ गौतम का नाम जोड़ा, जिससे गौतम भड़क गए। सुम्बुल ने सबसे मान्य सिंह को नॉमिनेट किया, तब से वह बौखलाई हुई है। उनको लगता है कि सुम्बुल को उनसे कोई पर्सनल दिक्कत है। हालांकि शिव ने मान्य को समझाया है कि वह सब ना सोचे और अपना काम करे, जिसके बाद भी मान्य, शालीन और सुम्बुल के रिश्ते पर भी सवाल उठते हुए कहीं ना कहीं सुम्बुल दूसरे का हाथ पकड़ कर शो में आगे बढ़ रही है। एमसी स्टैंड गौरी, शिव, मान्या, अर्चना सबके बारे में पूछते हुए बिग बॉस ने कहा कि जब आपका सबके लिए ओपिनियन है तो शाहिद को नॉमिनेट करते समय क्या हुआ। इसके बाद बिग बॉस ने शाहिद को बोरिंग और टायर कहा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। इसके साथ ही बिग बॉस के घर से जुड़ी पल की अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप बने रहें हमारे साथ।